मेरा उम्र इस वक्त 70 साल है, तकरीबन 65 साल से यहाँ पे हूँ और यहाँ का कदीम पुराना बाशिंदा हूँ। तकरीबन 65 साल से मुझे जो भी मूमेंट, जो भी हालात, जो भी वाकयात है, मुझे सब याद है। तो ये जो जगह है जहाँ पे हम हैं, ये हमारा आबाई ज़मीन है, आबाई वतन है, और हमजा की आबादी यहाँ से शुरू हुई है। उस वक्त से लेकर आज तक ये पॉइंट हमारे ही है। और ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, ये दरख्त तकरीबन हमजा में सबसे बड़ा दरख्त है, अखरोट का दरख्त है। इसकी उम्र कोई अराउंड अबाउट 200 साल का लग रहा है कि हमारा एक दादा यहाँ पे दरख्त लगा रहा था। इसका सखानी यूँ है कि कोई फ़कीर यहाँ पर आया या कोई पीर था, उसने हमारे दादे से कहा जी कि कल का दिन बड़ा अहम दिन है दरख्त के लिए, जो है ना वो अच्छा जो है वो साथ का दिन है। तो ये दरख्त हमारे दादे ने दूसरे दिन लगाया था और ये अभी तक ये दरख्त बिल्कुल ताज़ा है। और यहाँ पे इस तरीके से ये कोई 200 साल क्रॉस ये दरख्त अभी तक ज़िंदा है। गांव गणेश, गणेश देवता के नाम पे 75 ईस्वी में सिक्के जाहिरी हुए थे, इस हवाले से गणेश नाम रखा था। तो इस जगह का भी जब पहले दफ़ा जब लोग आके यहाँ पे आबादकारी की, इस जगह का नाम बुलदास नाम रख दिए थे। ये ब्रुशेस की ज़बान का जो है एक बामानी सेंटेंस है। बुल चश्मे को कहते हैं, दास बंजर जगह को कहते हैं। तो उस ज़माने में ये बंजर जगह था और यहाँ पे चश्मा भी था, तो चश्मे से ये आबादी शुरू किए थे। तो गणेश गांव से पहले ये बुलदास आबाद हुआ था, और जैसे आबादी बढ़ गई तो लोग इकट्ठे रहना शुरू किए और फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़िलाबंद भी होने लगे। तो इस तरीके से ये गणेश का नाम जो है बाद में पड़ गया था। गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया था, कदीम इसका नाम बुरुशल था। बुरुश कौमियत ने आबाद की थी, जो इस वक्त बल्तिस्तान, लद्दाख, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, छित्राल, काफ्रिस्तान, और इस वक्त जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, ये एक सल्तनत था। लासा असल चीन से कुछ लोग हिजरत करके या हमलावर की शक्ल में लद्दाख को इन्होंने लिए, फिर बल्तिस्तान और फिर गिलगित तक पहुँचे। और इसी तरीके से आर्यंस का एक गुरु जिसे शीन गुरु कहते हैं, तो शीन गुरु भी हमलावर होके आके इस इलाके को फतह कर गए। तो इस तरीके से यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में तीन सल्तनतें गुजरी हैं। सबसे पहले सल्तनत का नाम बुरुशल था, दूसरा दर्दिस्तान था। दर्द दरून के हवाले से हिंदुस्तान ने यह नाम तजवीज़ की थी और इस हवाले से दर्दिस्तान कहलाते थे, वो सल्तनत रही। फिर मुकामी हम लोग बल्तिस्तान के लोगों को बलोच, पलोयो या बलोई कहते हैं, बलोई इलाके को कहते हैं, पलोयो शिना लैंग्वेज में कहते हैं, बलोच बुरुश लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये भी हमलावर आके इस इलाके तक वो भी फतह कर गए हैं, और उस सल्तनत का नाम बलूरिस्तान था। और ज़बान के हवाले से भी जो है यही सामने आ जाते हैं कि ये तीन कौमियतें, बुरुशाल बुरुश के हवाले से है बुरुश कौमियत, अच्छा, और दर्दिस्तान शीन और बुरुश कौम दोनों को मिला के इसकी पहचान है। तो मैं अर्जियों कर लूँ जी कि जो पलोयो या बलोर कहते हैं, ये चीन के बाशिंदे हैं, लासा असल से आए हुए हैं, और शीन जो है आर्यन ग्रुप का एक कौम है जो शीन गुरु से ताल्लुक़ रखते हैं। बुरुशाल जो है ये तुरानियंस हैं, ये तुरान के हवाले से, अच्छा, इनकी जो है वो कड़ियाँ मिलती हैं। बुरुश कौमियत की ज़बान को बुरुशेस की ज़बान कहते हैं, जो इंतहाई कदीम ज़बान है, जो तुरानियन की असल होने का भी इम्कान है, उसकी बेटी होने का भी इम्कान है। शिना ज़बान जो है आर्यंस की शीन गुरु की एक ज़बान है, तो ये भी आर्यंस की एक बेटी है, आर्यन ज़बान की, बलूचिस्तान की या बलोच की ज़बान या बलोई की ज़बान हम कहें। तो ये एक चाइनीज़ ज़बान है जो वो लेकर आए हैं। ये तीनों ज़बानों की प्री हिस्ट्री इस तरीके से है, और ये हिस्ट्री मिलता है
हिंदुस्तान के सुकालरून से भी मिलता है, रशियन से भी मिलता है, यानी किताबों से भी मिलता है, और चीन के भी जो किताबों से मिलते हैं। मेरे स्टडी के मुताबिक ये इसमें कोई शक या कोई मशकूकियत की बात नहीं, ये तीन मेजर यूनिट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में, बाकी छोटे छोटे यूनिट्स हैं लेकिन वो इनमें जम हैं, और ये तीन मेजर यूनिट्स हैं जबान के हवाले से, रेस के हवाले से, और उनकी सल्तनतों के हवाले से। जबानें मर जाती हैं और बनती हैं। इस तरीके से एक डोमकी जबान है जो यहाँ हुंजा में है, एक छोटी सी गांव में अभी तक जो है वो जबान चल रही है, लेकिन अभी वो कमजोर होती जा रही है। इसी तरीके से जो है कुलूचुतिन कहते हैं हम, ये स्वात के नजदीक के एरिया में जब रहते हैं, उनकी भी एक जबान है, वो भी एक कदीम जो सोनावालों की जबान कहलाते हैं, ये बहुत ही कदीम जबान है। तो इस तरीके से छोटी छोटी जबानें उनकी बहनें हैं, लेकिन जो मैंने अर्ज के ये तीन जबानें इस खत्ते के मेजर जबानें हैं। ये बुरुशियस की जबान बुरुशियल सल्तनत की सिर्फ हिस्सा नहीं थी बल्कि वहाँ पे जबान भी बुरुशियस की जबान बोली जाती थी। लद्दाख का भी सबसे पहले जो आबादकार है वो बुरुशो है। कश्मीर का भी जो है उसका तो कश्मीरियों ने अपना तारीख वाजा कर दिए हैं, कश्मीरी ही ने, तो कहते हैं जी कि 3000 साल कबल मसीह में कश्मीर आबाद हुआ और वो बुरुशियस की जबान बोलने वाले थे और वो बुरुशो कौम थे, और उसका नाम भी जो है बुरुशियस की जबान ही का नाम रखे थे, कोशर कश्मीर का कदीम नाम है। कोशर हमारे बुरुशियस की जबान में बामानी लफ्ज है, मानी के लिहाज से इसका मानी यूं है कि कोई भी जुड़ी हुई चीज जो टूटे ना उसको कोशर कहते हम। तो जिस जमाने में कश्मीर लेक था उसके मुजाफात में जो पहाड़ थे देखने में तो अलग लगते थे लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो इस हवाले से इन्होंने अच्छा कोशर नाम रखे थे। आज भी कश्मीर के दानिश्वर, कश्मीर के शायर, कश्मीर के अदीब आज भी कोशर के पुकारता है। गोगी जो है वो कश्मीर का नाम कोशर खत्म हो गया, कश्मीर कहते हैं, लेकिन उनकी अदबी मैदान में अभी तक वो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी जो है बुरुश कौमियत ने आबाद की थी। अभी लद्दाख का भी मैंने आप सर्च किया जी कि लद्दाख का भी यही सूरत है। लद्दाख के मरकजी तीन गाँव हैं, वो तीन गाँव के लोग जो सबसे पहले आबाद हुए, लद्दाख वाले हमें बताते हैं जी कि गिलगित साहा का आबाद हुए थे लद्दाख में। और जब हम गिलगित वाले अपने तारीख पर नजर रखते हैं तो गिलगित भी जो है बुरुश कौम की एक आबादी थी, अच्छा बुरुश ने ही आबाद किए थे, और गिलगित का नाम भी बुरुशस की में है। मसलन अच्छा गिरिगिरत कदीम नाम था, गिरिगिरत का मानी हिरन नाचने की जगह, तो ये भी बुरुशस की है। तो लद्दाख वालों की बात दुरुस्त है कि वो गिलगित से जो है होते हुए लद्दाख तक पहुंचे और उसको आबाद किए थे। 35-40 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी इस जबान के मंबे तक पहुँचना और इसका अहाता करना बहुत मुश्किल सी बात है। मिसाल के तौर पर मैं बता दूँ कि तारीख में हमें मिलता है बुरुशियस की जबान इन राइटिंग था, और बुन मजहब के मुकदस किताबें बुरुशियस की जबान में लिखी हुई थी, लेकिन अभी ये अल्फाबेट्स मतरूक है, इसकी कोई किताब न पढ़ने वाला है न कोई किताब मिल रहा है, तो इसकी तहकीक की जरूरत है। अब सोचने की बात होती है जी कि अगर बुन मजहब के मुकदस किताबें इस जबान में लिखी हुई थी तो यकीनन बुत मजहब का एक गुरु है जो बुन मजहब कहलाता है, और यहाँ पे भी बुन मजहब के लोग थे, तो ये तहकीक हो सकता है चीन के लासा में। बुत मजहब या बुन मजहब के जो उल्मा है जिन्हें लामाज कहते हैं, वो कोई न कोई इस तहरीर को पढ़ने वाला और इस अल्फाबेट को जानने वाला ज़रूर होगा।